और ये दिखाओ कहाँ से आ रहे हैं, वो ऊपर धार है वहाँ पर उस वाले मंगानू से सही धार, यही मंगान लड़का है सही धार। और अगर आप देखो कि दूसरी क्लास के बच्चे भी अगर छोटे छोटे बच्चे इसमें जा रहे हैं तो ये तो मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए नहीं पूरे हमारे करसोग के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। क्यों बिल्कुल आप जाते हो लेने? ये है उनके जो चाचा जी उनकी पत्नी है, एक आदमी को रोज इनके लिए ही जाना पड़ता है, पूरा दिन लगता है। दूसरी क्लास में ले में आर पार जाने में तो लगता है। कौन छोड़ते आपको इधर सुबह भी शाम को भी? सबसे पहले तो मैं बताऊं मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर, है ना, आदि मानव जैसी जिंदगी लग रही है ना। तो इनके पास सड़क है ना, इनके पास जैसे अभी दीदी ने बताया, इनके आंटी ने बताया कि इनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था। और सिर्फ क्या हुआ, सड़क और पुल की सुविधा ना होने की वजह से जो ऐसी मौत जो है वो जायज नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में आज भी एक ऐसा गांव है जहां जान जोखिम में डाल झूले पर बैठकर लोग गंतव्य तक पहुंचते हैं। यह गांव करसोग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरतयोला में बसा मगाण गाँव है। विडम्बना यह है कि राजनेताओं ने इस क्षेत्र को केवल वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया, लेकिन आज तक ग्रामीणों का दर्द कोई नहीं समझ पाया है। वहीं अब क्षेत्रवासियों में आशा की किरण वर्तमान विधायक दीपराज भंथल से जगी है। विधायक को देखकर स्थानीय लोग प्रसन्न होने के साथ भावुक भी हुए। उनका कहना था कि आज दशकों बाद कोई विधायक हमारे दर्द समझने मगाण गाँव में पहुँचा है। जी आप बता रहे थे कि आपके जो पति हैं वो क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा ना होने के कारण और पुल ना होने के कारण जो है उन्हें हार्ट अटैक आया और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, ये कब की बात है, कितना समय हो गया माता जी? दो साल हो गए इस महीने में, अप्रैल में। क्या हुआ था उन्हें? 9:30 बजे को प्राण छोड़ दिए। अच्छा उनको ले प्राण छोड़ दिए जी, जी। अगर झूला ना होता सड़क होती तो काश उनकी जिंदगी बच जाती। सोनी तो पांच रहते जब शॉर्ट होती हॉस्पिटल तो पहुँच रहे थे झूले के, अब तो लगे। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे? दो लड़के हैं। एक फिर शादी रही है बड़े वाले की, उम्र के विधायक की उम्र जी। आज कैसा लग रहा है विधायक आज जो है वो 55 वर्ष बाद जो है वो पहुंचे हैं आपके गांव में? अच्छा लग क्या अच्छा कहना है, लग रहा जी, धन्यवाद है तुम्हारा भी, इनका भी धन्यवाद है। आज जगी है आज जी। विधायक दीपराज ने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के उपरांत सरतयोला पंचायत के अति दुर्गम गांव मगाण का दौरा किया। गांव पहुंचने पर विधायक ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह बड़े दुख और शर्म की बात है कि आज अधिकतर गांव नई टेक्नोलॉजी एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं, लेकिन हमारा मगाण गांव मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। शिक्षा का महत्व जो है हमारे करसोग विधानसभा के लोग जो है वो भली भांति समझते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि इतनी जान पे जोखिम पे डाल के छोटी सी गुड़िया है, मेरा बच्चा भी इतना ही है, मेरा खुद का बेटा भी इतना है, आपके तो खुद के बच्चे इतने ही होंगे, तो हम सब तो अपने बच्चों के भविष्य की कामना करते हैं उज्जवल। तो इन्होंने भी ये सोचा कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छा बढ़े। देखिए मैं खुद आया जी, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके आपके गाँव भी आऊँगा, मैं आपके घर भी आऊँगा और देखूंगा, ठीक है गुड़िया, है ना। तो शिक्षा और यहाँ पे एक स्कूल दिया था वो भी डोनेटिफाई कर दिया सुखू भाई ने, और कहते हैं नीड बेस, अगर किसी को हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में सबसे ज्यादा कोई नीड है तो देखिए इस बच्ची को। ऐसा बोलते हैं कि भाई एक बच्चा भी नहीं पढ़ने का, हमारे बच्चे कहाँ ले जाएंगे विधायक दीपराज ने स्थानीय जनता की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से मगाण गांव को गोद लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस गांव को वे आदर्श एवं विकासशील बनाने के लिए हर संभव कार्य करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊं मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर और मेरे पुराने नेतृत्व जितने भी रहे हैं करसोग के विधायक उनके ऊपर भी। अगर ये आप देखेंगे कि आज अगर यहाँ पे मुझे लगता है बुरा मत मानना आप लोग भाई, है ना, आदि मानव जैसी जिंदगी लग रही है ना। तो इनके पास सड़क है ना, इनके पास जैसे अभी दीदी ने बताया, इनके आंटी ने बताया कि इनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था। और सिर्फ क्या हुआ, सड़क और पुल की सुविधा ना होने की वजह से जो ऐसी मौत जो है वो जायज नहीं है। हम मानते हैं कि चलो ठीक है दुर्घटना है, लेकिन ये तो हमारी नाकामयाबी है कि हम इन्हें सुविधा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
तो अब इसमें मैं देख रहा था, अभी मैंने सुबह जब पुल पे आ रहा था मैं देख रहा था अभी लाइव में लोग लगे हैं कि आपकी सरकार थी वो थी, लोग अभी भी ऐसा भी कह रहे हैं। तो मेरा उन बुद्धिजीवियों से थोड़ा सा निवेदन है कि जितनी बड़ी आपकी बातें हैं, काश उतनी बड़ी आपकी बुद्धि होती, उसका इस्तेमाल करो और यहाँ के विकास के लिए जो है हम सब मिलकर काम करें, ऐसे ही ऐसा इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। अभी ये थोड़ी ना कि भाई इसने किया इसने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, मैं तो साफ बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है इस क्षेत्र में, बल्कि यही नहीं है ये कसोक विधानसभा क्षेत्र में। आप यहाँ पर नांज से लेके इधर को आना शुरू कर दो, बिंदला तक यही हालात है। इस गांव को मैं अडॉप्ट करता हूँ, है ना, जो कहते हैं ना जी, जैसे हमारे केंद्रीय नेतृत्व गोद ले कि हर एक गाँव को गोद लिया जाता है, तो मैं मंगाण को गोद लेता हूँ और मेरे पूरे जीवन का जितना सुदृढ़ मेरा अपना भंतल गाँव है मेरी कोशिश रहेगी। देखो एक साल में तो मैंने ऐसे कोई जादू करना नहीं है ना, पर छह महीने में मैं आऊंगा और जो भी मेरे करने लायक होगा मैं सबसे पहले चाहे अपनी निधि हो चाहे प्राथमिकता की कोई सड़कें हो आगे से प्रायोरिटी में इस क्षेत्र को डालूंगा। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। अपना नाम बताए जी। बत्ती सूर्यवंशी। गाँव का नाम सही। आप सुबह हर रोज अपनी पोती को छोड़ने के लिए स्कूल आते हैं? कभी नहीं आते, कभी मेरे पति आते झूले में। तो कितना समय लगता है माताजी यहाँ से गांव तक? तेज चलना तो 2 घंटे लगते है, अगर राम संग 3। तो यानी कि पूरा दिन जो है वो बच्ची को पढ़ाने में लग जाता है। तो घर में कमाई का क्या साधन है? कुछ नहीं है जी, है ना, सर्द बचता नहीं है, वैसे कब जब झूले होता तो यहाँ 2 पैसे कमाया हमने, उसे क्या करना, क्या करना, कुछ नहीं कमी हमारे, बाकी कोई साधन नहीं। न्यू कृष्णा एम्पोरियम कांगड़ा, यहाँ पर मिलेगा आपको होलसेल दामों पर खरीदारी करने का सुनहरा अवसर। फैंसी सूट दुपट्टा पार्टी वेयर ड्रेसेस साड़ी लहंगा सूटिंग शर्टिंग ड्रेस मटेरियल और शादियों के लिए दाज एंड वरी के लेटेस्ट डिजाइन। तो देर ना करें, जल्द आए न्यू कृष्णा एम्पोरियम कॉलेज रोड कांगड़ा और रानीताल में दूसरे शोरूम शॉप नंबर 6 फर्स्ट फ्लोर नियर पेट्रोल पंप रानीताल।